मतलब में। सो गाइस ये हमारे पास है ऑब्लिक मिक्सचर, इसको हमने पोटैटो स्टार्च में डाल करके बनाया है। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये स्पेशल टाइप का मिक्सचर है। अगर आप इसमें एरिया कम करेंगे सो देखिए इजीली आप इसको कट कर पा रहे हैं क्योंकि एरिया कम है और ये एज अ लिक्विड आपको फील कराएगा। ये देखिए ये आपको एज अ लिक्विड आपको फील करा रहा है, ठीक है, और बड़े आसानी से ये कट हो रहा है बिकॉज मेरे पास जो ये स्पून है, स्पून का जो एरिया है यहाँ पे काफ़ी कम है, ठीक है। अब यदि आप इसका एरिया बढ़ा देते हैं और इस पर आप मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो इसका बिहेवियर बदल जाता है, ठीक है। आपको भी ये लग रहा है कि इट इज़ लाइक सच सम लिक्विड, ये आपको लिक्विड की फीलिंग दे रहा है। ये देखिए फ्लो हो रहा है अभी इसमें, ठीक है, ये आपको साइड साइड में देखिए कॉर्नर में ऊपर से भी फ्लो होना शुरू हो चुका है, ठीक है, ये फ्लो हो रहा है, देखिए इसकी लेयर यहाँ से यहाँ चली गई है, ठीक है। बट अब मैं इस पर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिएगा क्या ये सपोर्ट करता है। मैं दो तरीके की फोर्स अप्लाई करूँगा, एक स्लो मोशन में या धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करूँगा, एक तेज वाला फोर्स अप्लाई करूँगा। देखिए पहले सबसे पहले मैं धीरे धीरे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए क्या बिहेवियर शो करेगा। ये मैंने उंगली बड़े प्यार से रखी और ये मेरी पूरी उंगली इसके अंदर जा चुकी है, देखिए मैं एकदम बॉटम तक पहुँच चुका हूँ। ये मैंने बाहर कर दी उंगली और यहाँ पर लिक्विड जगह ले चुका। दूसरी ओर मैं उंगली बहुत तेज से बढ़ा रहा हूँ तो ये घुसता नहीं। अब देखिए मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो मेरी उंगली लास्ट तक एंड तक जाएगी कि नहीं जाएगी, ठीक है। ये देखिए ठीक है, देखिए ये अपने मतलब पूरा साल्ट का मेरी उंगली का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। यदि आप स्लो करके देखेंगे तो आपको मेरे इम्प्रेशंस आपको दिख जाएंगे यहाँ जो मैंने इसमें पंच दिया है, मगर आपको ये एट द एंड आपको मेरे पंच जाते नहीं दिखेंगे। तो वन साइड ये एज अ लिक्विड फील दे रहा है जब आप इसमें स्लोली प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ये देखिए आप बिल्कुल मेरी उंगली एट द बॉटम पहुँच गई है और आप देख पाओ, यदि जल्दी से देख पाओ तो आपको मैं सरफेस दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए इसके एकदम ये देखिए एकदम लास्ट में इसकी सरफेस है, ठीक है ना। हाँ ये देखिए इसकी लास्ट में एकदम सरफेस आ गई, ये देखिए अभी दिख रही है आपको। तो यहाँ पर ये आपको फीलिंग किसकी दे रहा है, ऑब्लिक लिक्विड की, और ये देखिए थोड़ा सा फ्लो करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड सबस्टांस की फीलिंग दे रहा है। बट एक बार ये देखिए अब ये सेट हो गया, अब मैं इसमें परफेक्ट पंच कर रहा हूँ तो ये देखिए नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये लिक्विड भी नहीं है, मतलब मेरे मैकेनिकल प्रेशर को देख करके अगर ये लिक्विड होता तो उछलता, ये उछल भी नहीं रहा, अगल बगल फैल भी नहीं रहा है। इसको कितने भी घुसे मार लिए मैंने, ठीक है, मगर हमको इसका बॉटम नहीं दिख पाया, ठीक है। तो रीजनिंग क्या है इसमें कि अगर आप इसमें एरिया कम रखते हैं तो एरिया अगर आप इसमें कम रखेंगे तो ये आपको लिक्विड की फीलिंग देगा, जैसे यहाँ पे एरिया कम है। बट यदि आप एरिया ज़्यादा रखेंगे तो आप दबाते दबाते थक जाओ, ये देखो एरिया ज़्यादा है हमारा, एरिया ज़्यादा है, ये देखिए नहीं दब रहा है, ठीक ना। यस, तो ये प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने जो प्रेशर लगाया है वो कैसा है, और प्रेशर हटाने के बाद तो एक ही टाइम पे ही आपको एज अ लिक्विड फील होगा, और अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो देखिए सॉलिड हो गया है। ये देखिए अभी ये सॉलिड फील हो रहा है, ओके, मतलब आपने अगर मूवमेंट आपने बढ़ा दी है तो आपको सॉलिड फील हो रहा है, बट यदि आप मूवमेंट स्लो करेंगे तो ये आपको एज अ लिक्विड फील होगा। ये देखिए यस, ठीक है ना, तो स्लो मूवमेंट में आपको ये लिक्विड फील होगा, यहाँ देखिए, ठीक है। तो बट यदि आप फास्ट मूवमेंट करेंगे तो आपको ये एज अ सॉलिड फील होगा, ठीक है ना। फास्ट मूवमेंट में देखिए ये सॉलिड बन जाता है। तो ये कमाल का लिक्विड है ऑब्लिक, जो अपनी फ्लूडिटी को सेट करता है इस पर लगाए गए प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। तो इस पर लगाया गया जो प्रेशर होता है वो तय करता है कि इसकी फ्लूडिटी कितनी हो। बहुत कमाल का लिक्विड है। ये देखिए आपको देखने में लग रहा है कि ये उछल जाएगा, मैं अभी इसमें यदि पंच करूँगा तो ये लग रहा आपको उछल जाएगा, बट ये उछलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं उछल रहा है, एक पॉइंट भी इसका इधर उधर नहीं जा रहा है। यहाँ जो पहले के टुकड़े हैं वो हमने जब इसको बनाया है ना, या हमने इसको निकाला है जिससे इसके पाउच से, वो उस समय के टुकड़े हैं,
अदरवाइज ये आपको बिल्कुल सेट दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी इस पर घूसा मार करके पंच मार के अपने मन की क्या कहते हैं भड़ास निकाल लो, ठीक है। ये बहुत अच्छा मार तो है। जिसको जिसको घूसा मारना आप इस पर, ये बच्चों घूसा मार लो इसको, आप लोग भी ट्राई कर लो। तो वेदांत सर वीडियो बंद करें, नहीं ठीक है, गलत, हाँ ठीक है, चलो लाओ।